अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल सजनी मर्डर केस है। 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। कथित तौर पर यह हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। अभी पुलिस इस लूटपाट और हत्याकांड को सुलझा पाती कि अगले ही दिन इस महिला का पति भी लापता हो जाता है। अब पुलिस इस केस को और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और केस की जांच के आदेश देते हैं। फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच करती है। हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीम सालों तक एक अनजान शख्स की तलाश में लगा दी जाती है। फिर जो 15 साल की मेहनत के बाद खुलासा होता है उसके बारे में जानकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया था कि आप बस मुझे इतना बता दो कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से वीडियो में। लेकिन उससे पहले जल्दी से क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्णन नाम के एक व्यक्ति के फोन की घंटी बजती है। ओके कृष्णन फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण कुमार जीनाराज की आवाज आती है, जो रोते हुए कह रहा था कि घर में बड़ी लूट की वारदात हुई है और लुटेरों ने इस लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की भी हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्णन अपने कुछ रिश्तेदारों तथा पत्नी के साथ भागते हुए अपनी बेटी दामाद के घर जाते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान बुरी तरीके से बिखरा हुआ है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है जिसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है। उसके बगल में ही उनका दामाद तरुण बैठे दहाड़े मारकर रो रहा है। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी को पास के अस्पताल में लोग ले जाते हैं, मगर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और मामले की जांच शुरू कर देते हैं। पहली नजर में ही यह लूटपाट के दौरान की गई हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक एक चीज की बारीकी से जांच करते हैं और घटनाक्रमों को समझने के लिए मृत महिला सजनी के पति तरुण से पूछताछ करती है। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मार मार कर रोता चिल्लाता रहता है। इस कारण पुलिस ज्यादा दबाव देकर उससे कुछ पूछताछ नहीं करती है, बल्कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। तरुण जरूर दहाड़े मारकर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंक रहा था। खोजी कुत्ते की इस हरकत से लोगों के जहन में सवाल आने लगता है कि इस लूटपाट और हत्या में कहीं तरुण का ही तो हाथ नहीं है। हालांकि तरुण की स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत ही इस संभावना से इनकार कर देते हैं। कमाल की बात तो यह होती है कि जब तरुण को अंतिम बार हॉस्पिटल में सजनी को देखने के लिए लाया जाता है, तब भी खोजी कुत्ता उसी पर भौंकना शुरू कर देता है। यहां भी कुत्ते की हरकत को नजरअंदाज कर दिया जाता है और मामले की जांच बढ़ती रहती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करती है। उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, मगर ये क्या, घटना के अगले ही दिन यानी 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, मगर तरुण का कहीं भी अता पता नहीं चलता है। अब लोगों को खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ में आने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि सजनी की हत्या में जरूर तरुण का कोई हाथ था। अब पुलिस की कई टीम तरुण को खोजने में लगा दी जाती है, मगर तरुण का कोई अता पता नहीं चलता है। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी सजनी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। FIR दर्ज होने के बावजूद पुलिस तरुण को खोजने में नाकाम रहती है। 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है, मगर पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब आ चुका था साल 2006। जब पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहते हैं तो अब सजनी के पिता इंसाफ मांगने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं।
पहले कई कोशिशों में तो ये नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं, मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के आला पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। इसी के बाद 2006 में एक बार फिर से इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और फिर से जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर ए.के. शर्मा को दी जाती है। शुरुआती कुछ साल तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, बस साल बदलते रहते हैं, यहां तक कि जांच अधिकारी भी बदल जाते हैं, मगर ना तो सजनी के कातिलों का और ना ही सजनी के पति तरुण का कहीं अता पता चलता है। 6 साल और बीत जाते हैं। अब साल आता है 2012। अब इस मामले की जांच डीसीपी दीपन भद्रान के नेतृत्व में शुरू होती है। डीसीपी दीपन बिल्कुल नए सिरे से इस केस की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक एक शख्स के इतिहास भूगोल को खंगाला जाता है। ये टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखती है। इसके पीछे की सोच ये थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसीलिए अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों के प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर और उन मोबाइल नंबर पर आने जाने वाले कॉल की भी निगरानी की जाने लगती है और सभी नंबर की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती हैं। ऐसे अगले कई महीने तक चलता रहता है और इस दौरान पुलिस की कई टीमें लगभग 1 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती है, मगर किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी व्यक्ति से नहीं निकलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं, खासतौर से तरुण की मां अनम्मा और तरुण के भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाने लगती है। इसमें भी कई महीने बीत जाते हैं, मगर अनम्मा के मोबाइल पर भी एक भी ऐसा कॉल नहीं आता है जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और अपना भेष बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रह रही तरुण की मां अनम्मा तक जाते हैं और फिर यहां नाटक करके किसी तरह यहीं पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने लगते हैं। यहां पुलिस का टारगेट था कि शायद अनम्मा के साथ पेइंग गेस्ट के तौर पर रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ अता पता मिल सकता है। पुलिस को यहां तो बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, मगर अनम्मा के कुछ पड़ोसी जरूर पुलिस को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल यहां गेस्ट के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए ये छोटी मगर काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद अब पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अनम्मा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में सामने आता है कि अनम्मा बीच बीच में केरल भी जाती है। जब पुलिस वाले अपनी लगातार निगरानी अनम्मा पर बनाए रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केरल जाने के बाद तरुण की मां बेंगलोर भी आई है। अब पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाते हैं कि आखिर अनम्मा के बेंगलोर जाने के पीछे की वजह क्या है। इस बात का जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले अब अनम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विलेंस पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले एक एक नंबर की डिटेल खंगालना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक नजर बनाने के बावजूद पुलिस को अनम्मा के मोबाइल पर एक भी सस्पिशियस नंबर नहीं मिलता है। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की मां के मोबाइल पर नजर बनाए रखते हैं। पुलिस वालों की ये मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब होती नजर आती है। दरअसल एक दिन अनम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। जब इस नंबर की डिटेल पुलिस द्वारा निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी निशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है जो बेंगलोर में रह रही है। अभी पुलिस इस निशा परवीन की डिटेल्स निकाल पाती कि कुछ ही महीनों बाद एक लैंडलाइन नंबर से अनम्मा के मोबाइल पर फोन आता है। ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली जाती हैं तो पता चलता है कि यह लैंडलाइन नंबर तो बेंगलुरु में ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। अब पुलिस की एक टीम ओरेकल इंडिया कंपनी के ऑफिस पहुंचती है। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डेटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है, मगर उसमें से एक भी कर्मचारी का नाम तरुण नहीं था। अब पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाते हैं और तरुण की वर्षों पुरानी फोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ओरेकल इंडिया के ऑफिस के इर्द गिर्द खड़े कर दिया जाता है,
तथा ऑफिस में आने जाने वाले एक एक व्यक्ति पर नजर रखने को कहा जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिख रहे शख्स की तरह ही एक व्यक्ति को उसने इस बिल्डिंग में देखा है। अब पुलिस वाले जब उस तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का डिटेल कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वो ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव परवीन भटेले हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहां तरुण अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। पुलिस के लिए यह जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी, मगर पुलिस वाले अपना ये प्लान बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तरुण को इस बात की भनक लग गई तो वो लापता हो सकता है। इसलिए अब तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के केबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने उस शख्स को तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वो पसीने पसीने हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। इससे यह कंफर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति असल में तरुण है जो प्रवीण भटेले के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर करते हैं और तुरंत वो तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छुपाए रखा पुलिस ने उसका पता कर ही लिया, इसलिए वो भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल का जवाब पूछता है कि आप मुझे बस इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरने वाली सजनी के बारे में तरुण से पूछताछ करती है। इस बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वो खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों की बातों में आकर वो बैंक में काम करने वाली सजनी नाम की महिला से मिलता है और फिर 2002 में सजनी से ही शादी कर लेता है। बहुत जल्द वो इस शादी से ऊब जाता है और फिर वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के बाद वो भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है तथा अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में लूट का नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है, उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जांच में शक की सुई तरुण की तरफ ही घूमने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले दिन तरुण वहां से भाग जाता है। यहां से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड धक्का देकर तरुण को वहां से ये कहते हुए निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के खुलासे के मुताबिक इसके बाद वो भोपाल में रह रहे अपने एक दोस्त परवीन भटेले के पास जाता है। परवीन भटेले कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहां आकर तरुण प्रवीण को बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब उसके पास ना घर है, ना पैसा है और ना ही कोई जॉब है, इसलिए उसे कोई काम दिलाए। तरुण की हालत देखते हुए प्रवीण उसे अपनी ही एक कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है। यहीं काम करते हुए तरुण के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वो धीरे धीरे प्रवीण से काफी नजदीकी बनाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो चुपके से प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज का सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है। तरुण उन डॉक्यूमेंट में प्रवीण की जगह अपनी फोटो लगाकर खुद ही प्रवीण भटेले के तौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागजों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण भटेले के नाम पर वो पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है। कुछ समय तक वो इधर उधर समय बिताता है और फिर 2012 में बेंगलुरु चला जाता है, जहां वो प्रवीण के डॉक्यूमेंट के दम पर ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले
कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिलता है। वो कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के दौरे पर भी जाता है। कमाल की बात तो ये थी कि वो ये दौरा और जॉब सब कुछ फर्जी दस्तावेज के दम पर कर रहा था, मगर कभी भी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही प्रवीण की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद प्रवीण निशा को बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब कभी तरुण के माता पिता बेंगलोर आते थे तो तरुण निशा से कहता था कि ये उनके चाचा और चाची हैं। समय के साथ तरुण और निशा दो बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। इन सभी खुलासे के बाद तरुण को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वो जेल में ही है। इस मामले में तरुण की पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है तो निशा बताती हैं कि वो तो इस शख्स को केवल प्रवीण भटेले के तौर पर जानती हैं। फिलहाल की इसकी बात करें तो कभी लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार वो अलग अलग ग्राउंड पर बेल की अपील करता रहता है, मगर उसे किसी भी अदालत द्वारा बेल नहीं दी गई है और फिलहाल वो जेल में ही है। जब अहमदाबाद पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया था तो देश में जमकर अहमदाबाद पुलिस की प्रशंसा हुई थी। दोस्तों, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद।